मरहूम बहुत सी खूबियों के मालिक थे और एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें जो खूबियाँ थी वो कुछ दौड़ के बन गई थी। और मैं अपने फील्ड के हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि हम फ्लेवर फ्रेग्रेंसेस में डील करते हैं, तो जब भी उन्हें मैं कोई चीज़ दिखाता था वो इतना उसे डीपली देखते थे और उनकी जो स्मेलिंग पावर जो हिस थी उनकी बहुत ज़्यादा थी। 10 चीज़ें हो तो उसमें से एक पिक कर सकते थे। पाकिस्तान के साथ मेरा बहुत ज़्यादा तो तीन भाई पहले फैक्ट्री नेशनल हाउस प्रधान हो गया, वो ज़्यादातर मेरे लोगों में तो वहाँ पर वो नशन करना होते थे, लेकिन उनसे गाय बगाए वगैरह रहते थे और मैंने साथ उनकी सिटी में उस पर अक्सर रहते थे। वो तो सब लोग जिक्र कर रहे हैं इंतहाई गर्म हो और इंतहाई प्रोवाइड टू गेट की शख्सियत थे। 2014 से ऑनवर्ड डॉक्टर साहब के साथ मुझे भी इत्तेफाक हुआ है काम करने का, उनके साथ उनकी रहनुमाई में गाइडेंस में उनके साथ मिलकर काम किया है। मुझे एक बात उनकी बड़ी अच्छी लगी, मुझे टोमेटो पल्प की जो प्रिजर्वेशन होती है ना इसका एक मेथड मैंने चेंज किया आज से 4 ईयर्स बैक। तो मेरा मिशन था वो 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस था मैंने उस केस में, मैंने कहा सर ये जो मेथड पुराना है ना इसमें ये पार्ट्स हैं इसको चेंज करके ये करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने ना कहा कि आप जो कर रहे हो ना इसमें मुझे बताओ कि पीएच को कैसे कंट्रोल कर रहे हो, यानी वो जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे ना उसको साइंटिफिक ग्राउंड पे सोचते थे। डॉक्टर साहब के साथ मेरा तल्लुक 10 साल का था। डॉक्टर साहब ना सिर्फ मेरे एक अच्छे बॉस बल्कि एक बहुत अच्छे टीचर और एक बहुत अच्छे दोस्त थे। हमेशा जब भी उसे कोई गलती होगी तो उन्होंने हमेशा एक टीचर की तरह समझा, हमेशा उन्होंने यही कहा बेटा ऑनेस्टी इज दी ओनली बेस्ट पॉलिसी हो है, आप अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहें, अपने काम को तवज्जा से करें, अल्लाह पाक आपको और ज़्यादा बेहतर करें। और हमेशा उन्होंने एक चीज़ की बेटा कोई भी काम करता मैं अपनी का शौक करती हूँ मेहनत करूँ हर चीज़ आपके पास हो। मैं बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब अपने लिए दुआएं मकबूल फरमाएँ, अल्लाह पाक उनके दर्जात बना फरमाएँ और उनको आने वाली मंजिल आसान फरमाएँ। मैं इसके फॉर्म का फायदा आपके बताए साहब से इन्वेस्ट करूँगा, वैसे भी जो गैप हुई हुई है सारी डॉक्टर साहब ने तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी जैसे 1986 से लेकर टिल नाउ अक्सर जो हमें मुल्क और मुल्क से भाई बहुत से टूर उनके साथ हुए हैं तो वो यही समझते हैं कि इनके भाई हैं, क्योंकि सिक्स ही नाम जो था वो सिक्स ब्रदर था और हम जिस तरह एक ही होटल में ठहरना एक ही होटल में काम करना खाना पीना उठना बैठना, तो वो मैं पहले क्या तो कह रहे थे कि आगे भले भाई भी हो गए किसी भी एग्जीबिशन पे जाना या मिलना करना। यकीन मानिएगा कि डॉक्टर साहब ने हमें बहुत कुछ हमारे साथ प्यार किया मोहब्बत किया हर जगह पे हर जगह हर आइटम के लिए वो कहते थे, जैसे अनस साहब हैं इनके साथ में बताया कि जब आप बैठे होते थे तो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से ला के टेबल पर रखी डॉक्टर साहब की बनानी है तो कह रहे थे कि आपका इसका रिजल्ट देखो। कोई भी एक बड़ा शख्स अजीम उसमें बनता है तो उसके जाने के बाद मैं ये समझता कि मेरे पास शायद महसूस करता हूँ कि अल्फाजों की किल्लत है कि मैं शायद उस तरह से बयान ना कर सकता, जो अल्फाज सारे दोस्तों ने अहमदफर साहब का लिए इस्तेमाल किए जिस तरह के आपको टेक्नोलॉजिस्ट के या जिस तरह की उनकी सर्विसेज हैं इंडस्ट्री के लिए, मैं ये समझता हूँ कि ये शायद इस इंडस्ट्री का बड़ापन है कि अपने बेरीना साथी को उन्होंने याद रखा और उसके लिए बाकायदा तौर पर ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक पुराने शाही का रिकॉर्ड किया और उनकी शख्सियत के बारे में वो भी ऐसी चीज़ें जो शायद हम लोगों को नहीं पता थी। करीम साहब कहते थे उनको आने वाले बंदे थे उनका नाम से मिला उनकी एक्सपीरियंस से मुलाकात हुई कहते थे उनके पास,
उन्होंने जो प्रोडक्ट्स बिल्ड की हैं और जो आज पर्टिकुलरली रेफर चल रहा है कि जिस तरह उन्होंने टेक्निकली यू आर वेरी साउंड एंड यू आर वेरी अप टू डेट, तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए जितनी भी तारीफ की गई है और आज देखें वो भी कहने की बात नहीं है, फैसलाबाद से हम लोग आए हैं, मतलब मेरे साहब बहुत भी एक लीग है रहते शहर साहब हैं सब लोग, तो जिस बंदे की तजियत में इतने लोग थे उनसे चल के हैं, तो ये भी अलग अलग कर्म होता है जो किसी के लिए चलते हैं। किस पोजीशन पे जाते हैं, क्या कमाते हैं, इससे कितनी बड़ा ये होता है कि हम कंट्रीब्यूट क्या करते हैं। सो जैसे दोस्त अहबाब ने कहा और हमने सुना, अभी तो बड़े कंट्रीब्यूट करने वाले शख्स थे और डेली बेसिस पे कंट्रीब्यूट करने वाले शख्स थे, सो कंट्रीब्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला उनकी कंट्रीब्यूशन को इस दुनिया में वो अपने प्रोडक्ट्स के फॉर्म में छोड़ के गए हैं और उसको तय करके लगाएंगे आप लोग, अल्लाह ताला उनकी निजात बनाते हैं और उनके जो सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ करें और उनकी आकिबत की आकिबत के जो मुलाजिम हैं उनको आसान करें। आप अगर ट्रेनिंग के सेशन में बात करें या आप लर्निंग की बात करें तो हर स्टेप पे डॉक्टर साहब आज वेरी कॉम्पिटेंट है और बहुत ही अनुभव बेहतर टीचर, कोई भी चीज़ उससे पूछी है एक बार नहीं बार बार पूछी है तो हमेशा उन्होंने एक ऑपरेशन में काम किया है और जब तक आप उस चीज़ पर मेजोरिटी होगी आपकी तब तक डॉक्टर साहब ने आपको गाइडेंस दी है, इवन आप फोन कॉल पर भी गाइडेंस लें तो ये बस वेरी कॉम्पिटेंट। मोहम्मद से वफात हुए तो हम दे रहे हैं, ये चीज दे के आप दवा कलम दे रहे हैं। डॉक्टर नईम डॉक्टर प्रवास साहब एक ईक्यू उस्ताद, एक शफीक उस्ताद और इंडस्ट्री के शहर को आए। 1980 में जब मैंने 6 वीक इंडस्ट्री शुरू की तो एक तभी तक कहानी है, पर मेरी कोशिश थी कि बेहतर प्रोडक्ट जो है ना वो बनाए जाए, तो उस सिलसिले में अदर नईम साहब थे प्रोफेसर, उन्होंने दो बंदों का मुझे रब्ता करवाया, एक इजाज साहब 40 सीरियल वाले और एक नईम अफर प्रवास साहब का करवाया। नईम अफर प्रवास साहब और इजाज साहब ये दोनों क्लास फेलो थे, वो 40 सीरियल पे थे और ये अयूब रिसर्च पे थे, और अलहमदुल्ला उनसे पहले जो है वो कस्टर्ड के ऊपर हमने जो है वो किया, फिर उसके बाद खीर भी बनाई वो वर्क की, उसके बाद फिर डेरी के ऊपर वर्किंग की, फिर शुगर कोटिंग की प्रोडक्ट जो है वो करते हुए हम चाह रहे थे कि एक बहुत बड़ा ब्रांड जो है इंस्टेंट मार्केट में है उस जैसा ब्रांड बनाया जाए, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसा ब्रांड नहीं था। अलहमदुल्ला पिक्सर के नाम से हमने इंस्टेंट ड्रिंक दिया, डॉक्टर साहब ने जो चीजें लिख के देते थे कि ये इस तरह का ये फ्लेवर चाहिए, ड्राई फ्लेवर चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फला चीज चाहिए, तो तकरीबन 3 साल मुझे लगे कि सारी दुनिया के सैंपल आके मैं उनकी टीम पे पेश करता, वो रिसर्च करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये प्रोडक्ट इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। वो इंतहाई तहम्मुल, इंतहाई प्यार, इंतहाई इखलास से हम जो उसको कहते थे कि ये चीज ज्वाइन करनी है तो वो सोचते थे और उसके बाद 2 घंटे उनके बाद कहते थे ये चीजें चाहिए डेवलप हो जाएगी, और बहुत चीजें यदि बात आप कह रहे थे कि बहुत जल्दी जो है वो डेवलप करते थे, और अलहमदुल्ला खास उनका और अनीस अलहमदुल्ला अनीस उनका शगिर्द है, शगिर्द का हक अदा किया है, उसने कहा कि ये लैब जो है ना डॉक्टर साहब के नाम से रहे, इसमें कोई शक नहीं, हम इंशाल्लाह वादा करते हैं आपसे और इस काम का जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हम इंशाल्लाह इसको पास करवा देंगे, ठीक है जी। दो बोर्ड तो यहाँ उनके हक में है, इकबाल साहब का और मेरा, ठीक है जी, तो इंशाल्लाह जो है वो उनके लिए जो है ना ये लैब जो है वहाँ से डॉक्टर दफर नई दफर प्रधान लैब जो है, तो मैं बड़ा मशहूर हूँ उनके साहबजादे अली साहब जो है वो तशरीफ लाए हैं फैसलाबाद से स्पेशली प्रोग्राम के लिए,
तो कुछ इंफॉल और उनके भी सुने और मेरे वाले साहब भी उनके साथ जो है हमेशा जो है ना भरा वाला सपोर्ट होता है। इवन के समटाइम यहाँ तक पूरा करके कुछ पार्टी जो है हमसे फार्मुलेशन मांगती थी कि हमें मिक्सचर की और ये दूसरे की फार्मुलेशन दे दें और अच्छी बात ही हम दे रहे थे, लेकिन मेरे पूरे साथ ने कहा कि मैंने हम साहब से वादा किया हुआ है मैं चार पाँच लाखों के साथ जो है मुँह काला नहीं करूँगा। कुछ लोगों ने तो पकड़े हुए थे पाकिस्तान से कोई काम नहीं थी सारे को बाहर चलो, लेकिन अपने पैसों से ज्यादा नहीं मेरे उनके साथ जो है ना उनके वाले साहब के साथ उनके साथ इतनी लेकिन मैं अपना वो भी बारह करा सकता वहाँ पर 10 करोड़ 20 करोड़ को मैं आपके साथ में